गोधरा कांड इस नाम पे हुए भयावह इंसिडेंट पे बनाई गई एक फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर मैं आज अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, आई एम स्वाति एंड आई वेलकम टू फिल्मी पिनअप स्टाइल। एन एक्टर कैन ओनली मॉडिफाई द डायलॉग, मतलब कि इस सिचुएशन में ये सही से नहीं जा रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। तो विक्रांत मैसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एक एक्टर सिर्फ स्क्रिप्ट को चूज कर सकता है और उस किरदार को अच्छे से निभा सकता है। एक फिल्म में एक एक्टर का ये मेन रोल होता है। कास्टिंग है विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा और खन्ना की। सारे लोगों के साथ रिद्धि डोगरा ने भी हाई क्लास रिपोर्टिंग बिजनेस में किस तरह से सालों तक लोग बने रहते हैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म में गोधरा कांड का ना सही पर न्यूज रिपोर्टर्स का सच जरूर आपके सामने आ जाएगा। रिपोर्टर मीडिया इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये दिखाया गया है। अब रही बात की पूरा सच नहीं दिखाया गया है, शायद सच ना दिखाने के लिए ही रंजन चंदेल जो इस मूवी को पहले डायरेक्ट कर रहे थे वो रिप्लेस कर दिए गए विद धीरज सरन जो इस मूवी के पहले डायलॉग राइटर थे। फ्रंट फुट पे आकर के फिर उन्होंने इस मूवी को सेफ तरीके से डायरेक्ट किया है। अगर सेफ नहीं खेलेंगे तो सच को एक तरफा होकर के सिर्फ सच की तरह दिखाएंगे और इस तरह से तो फिल्म मेकर्स को भी पता है कि जनता एक फिल्म से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो एक फिल्म से या तो रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती या फिल्म सेंसर बोर्ड से कभी पास ही नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्में बिल्कुल ही हम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री जी को जो दिखाना था, जितना दिखाना था, जैसे दिखाना था उन्होंने दिखाया। इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की फिल्में बनती हैं, लोग आते हैं और देखते भी हैं, घंटों अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, मेरी तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं, फिल्में चलती हैं और बिजनेस होता है। थिएटर रिलीज में तो फिल्म का पर्पस ही बिजनेस करना होता है और ये मूवी पैसे बना रही है। फिल्म में कबीर सिंह, धमाका, द ब्रोकन न्यूज इन सब की झलक के साथ साथ गोधरा कांड की भी झलक बिल्कुल दिख जाएगी, पर पूरी फिल्म गोधरा कांड के बारे में नहीं दिखाई जाएगी। इस बारे में मोदी जी ने भी द साबरमती रिपोर्ट इस फिल्म को प्यार दिखाते हुए अपना एक पोस्ट शेयर किया है और उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि फिल्म मेकर्स ने इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के बजाय सेफ तरीके से फिल्म को डिलीवर किया है। जिनके साथ ये हादसे हुए हैं उनके लिए ये फिल्म बहुत भावुक होगी। तो समर और अमृता के किरदार को बहुत ही सेंसिटिव किरदार दिखाया है जो उन लोगों की तकलीफ समझ पा रहे हैं जिनके साथ ये हादसे हुए हैं और इस इमोशन को बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3 out of 5 stars। म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, BGM इस मूवी का बहुत अच्छा है। एक पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वो जब न्यूज रिपोर्टर शूट करने जाते हैं तो कैसे फिल्म से रियल फुटेज की तरफ सीन शिफ्ट होता है और रियल फुटेज से वापस फिल्म में स्टोरी में आ जाते हैं। वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है और वो फुटेज सिनेमैटिकली बहुत ही इफेक्टिव है। 1 star minus में क्योंकि कुछ और कह के थिएटर में बुलाया और बुला के फिर कुछ और दिखा दिया और मूवी का नाम भी बहुत डिप्लोमेटिकली रखा गया है, द साबरमती रिपोर्ट, अ मूवी रिवॉल्व्स अराउंड न्यूज रिपोर्टर इंडस्ट्री। 2 star minus में क्योंकि कॉमिक टाइमिंग जबरदस्ती डाली हुई है। इस तरह की फिल्म में मुझे नहीं लगता कि लोग थिएटर में कॉमेडी का फन ले पा रहे थे। इसके बाद 15 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक और फिल्म के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं, स्टारिंग अनुपम खेर एंड चंकी पांडे। द स्टोरी इज अबाउट विजय मैथ्यू। मूवी के बिल्कुल शुरुआत में विजय के सामने अपनी मौत को दफनाने का डब्बा रखा हुआ है, मतलब कॉफिन या ताबूत, जिसे देखकर विजय को 69 साल की उम्र में ये विचार आता है कि जिंदगी में आखिर किया क्या है। पेपर पेन उठा करके अपनी अचीवमेंट्स लिखते हुए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और पहले पॉइंट पे ही रुक जाते हैं क्योंकि दूसरी अचीवमेंट तक कलम जाती इससे पहले उनको ये एहसास हो गया कि उन्होंने एक्चुअली अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। इस तरह के भयानक रियलाइजेशन के बाद उनकी उंगली कीबोर्ड पे टाइप करने पे मजबूर हो जाती है। ग्रेट थिंग्स डन बाय ओल्ड पीपल। हाईली मोटिवेट होने के बाद वो ट्राइथलॉन में ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट के रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा रखते हुए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। 8 किलोमीटर स्विमिंग, 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर रनिंग। बहुत ज्यादा कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, मूवी ठीक ठीक है। अगर देखनी है तो 2 out of 5 from my side। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन माई न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।